हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। एसएससी एग्जाम्स रिलेटेड किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और आरटीआई रिप्लाई के लिए सबसे पहले आपको उस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही एडवांस मैथ्स का बेस्ट से बेस्ट कोर्स मैंने इस चैनल पर स्टार्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो ज्योमेट्री का कम्प्लीट मैंने पैकेज आप लोगों के लिए तैयार किया है। काफ़ी टाइम से मैं तैयार करने की जो है वो सोच रहा था, और 2 साल से मैं लगा हुआ हूँ। तो कंप्लीट है इसमें आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्री और मेंस की आपकी दोनों की तैयारी इसमें कवर हो जाएगी। 183 वीडियोस हैं इसमें, और जितनी भी आपकी बेस्ट से बेस्ट आपकी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं। कंप्लीट क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो ये कंप्लीट सर्वे है, ये सर्वे जो है क्यू मैथ्स के द्वारा किया गया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं क्यू मैथ्स का, जिन्होंने इतना बेस्ट सर्वे किया। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता ही है यार। आप लोगों ने इतने साल जो है वो मेहनत की है, और फिर 2 साल के बाद अब इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो ऐसे में हर स्टूडेंट को एक्साइटमेंट रहती है कि उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, या फिर जो लोग एच पर हैं वो लोग भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे उनके माँ बाप भी यही पूछते हैं कि उनको कौन सी पोस्ट मिल रही है, उनको मिल भी रही है कि नहीं। तो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक तरह से वो रहती ही है। तो ऐसे में यार स्टूडेंट का जेन्युइन इससे फ़ायदा होगा अगर उनको एक तरह से एग्जिट पोल मिल जाए कि कौन सी पोस्ट पे कितना रहेगा। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस जो हैं वो इस रिगार्डिंग बनाई थी, और तीनों वीडियो में आप यकीन नहीं मानेंगे जितना मैंने आपको एनालिसिस बताया था कि आपको किस पोस्ट पर कौन कौन सा मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम यही क्यू मैथ्स का जो है सर्वे दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये आपका 653 जिसके मार्क्स हैं उस पर एक्सपेक्ट की कर सकते हो। देखिए, ये एक प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। आज जैसे इलेक्शन है, तो आज इलेक्शन, आज तक वालों ने 2019 में कौन सी सरकार बन रही है, बीजेपी बन रही है, कांग्रेस बन रही है, कोई भी बन रही है, तो उसका एग्जिट पोल आज दिख रहा है। तो यहाँ पर आगे देखिए, आपका CSS है। तो CSS का मैंने आपको बताया था DOPT में 550 to 560 मार्क्स पे लगभग आपको जो है वो देखने को मिलेगा। 560 के अराउंड आप मान के चलिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ASO में आपको इतना ही रहेगा एक्सपेक्टेड। इसके अलावा यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे कि इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है और सेंट्रल एक्साइज जो इंस्पेक्टर, वो कितना रहेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 545 से स्टार्ट होगा, मतलब 555 के ऊपर ही रहने वाली है, जो आपको लगभग मतलब 560 से ऊपर ही जाने वाली हैं जो पोस्टें आपकी। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो थोड़ी सी हाई जाएगी, वो 575 570 ऐसे मार्क्स पे जाएगी आपकी। और जो CBEC है, मतलब 10-15 मार्क्स का इजाफा कर लीजिए आपका जो टोटल है। तो यहाँ पे आप सारा चेक कर लीजिए। इसके अलावा आपको वैकेंसीज में आपको दिखाता हूँ, वैकेंसीज का भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रेड पे आपको मेंशन है, साथ ही साथ ये मेंशन है कि कौन सी पोस्ट आपकी DEPT की है, और कौन सी पोस्ट आपको CPT देना है, कौन सी पोस्ट में आपको DEST देना है। और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो ग्रीन कलर का है वो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो हैं वो उनमें क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ, आप चेक कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ 2016 की, तो उसमें CAG असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो वैकेंसीज थी 1000 थी 2016 में, जो घटकर 600 रह गई, 400 वैकेंसीज का लॉस हो रहा है। इसके अलावा आपकी CSS डिपार्टमेंट में जो 36 वैकेंसीज का लॉस हो रहा है सबसे, उसके बाद देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपकी लगभग 244 जो पोस्टें हैं वो कम हैं इस बार, तो ये सबसे बड़ा। और देखिए यहाँ पर जो आपका जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, यहाँ पे आपकी 50 दिखा रहा है, और जो कि 666 थी, मतलब 2016 में 666 थी। एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस रिगार्डिंग, जिसमें स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए हैं वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि वैकेंसीज बहुत कम जो है वो इस बार आई हैं। पहले उनको वैकेंसीज ज़्यादा दिखाई गई थी, लेकिन बाद में ये वैकेंसीज कम कर दी गई हैं। RTI रिप्लाई भी उनके पास हैं, RTI रिप्लाई में उन्होंने मतलब क्वेरीज थी उनकी, कि उन्होंने मतलब अलग अलग पोस्टों के लिए उनकी क्वेरीज थी कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज 2017 में देखने को मिलेंगी। तो उस RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वो जो इनके पास टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी वो शो नहीं हो रही हैं इतनी, तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। तो वो वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट में बनाने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। और जो 3 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी वैकेंसीज पे मतलब किस कितने मार्क्स पे आपको कौन सी पोस्ट अप्रोक्स मिल सकती है, तो बिल्कुल वही एनालिसिस ये सेम है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस है, बहुत अच्छा एनालिसिस है। टैक्स असिस्टेंट की देखिए, यहाँ पे वही 520 प्लस
दोनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 520 प्लस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। और मैं आपको टॉपर के मार्क्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट मार्क आप देख सकते हैं सीजीएल 2017 टायर 3 के क्यू मैथ्स के सर्वे के अकॉर्डिंग टायर 3 में हाईएस्ट मार्क्स 82 आए हैं और एवरेज मार्क्स 65 आए हैं, यानी ज़्यादातर बच्चों ने 65 मार्क्स तो लिए लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो मैंने सारे आपके शेयर कर दिए हैं, आपको उसकी नाम भी बता दिया है, उसकी फ़ोटो भी आपको दिखा दी है। 620.25 अब तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं क्षितिज राज के, और एवरेज मार्क्स लगभग 540 सभी के आए हैं। यानी कि कितना ज़्यादा कंपटीशन, कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पिछली बार अगर मैं एवरेज की बात करूं 2016 की, तो उसमें एवरेज आपकी थी 520 मार्क्स की, इस बार एवरेज 20 नंबर बढ़ गई है पेपर टफ होने के बावजूद। तो ये सारा चीटिंग की वजह से हुआ है, जो आपकी ये जो कट ऑफ है इतनी हाई गई है। अब गॉड नोज कि क्या है क्या नहीं, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करूंगा, बट चीटिंग तो डेफिनेटली उसी की वजह से ये हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 598.5 कोई कम नहीं है, एससी की भी बहुत ज़्यादा है और एसटी की भी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मार्क्स जो है वो लिए गए हैं, और एवरेज मार्क्स इनके यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखिए कौशिक राज टायर 3 मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स मैंने आपको दिखा दिए टायर 1 टायर 2 और टायर 3 के मिला के 620.25। उसके बाद 612 हैं, उसके बाद 610 हैं विशाल गोयल के, और उसके बाद जो चौथे नंबर पे हैं 610 हैं। इन सब के जो जो स्क्रीनशॉट हैं, जो इन्होंने आईडी पासवर्ड डाल के इनके मार्क्स वगैरह आए थे, तो उन सब का एक प्रूफ देके इन्होंने ये मार्क्स शो किए हैं अपने। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सीजीएल 2017 टायर 3 टॉप पर के, उसके बाद और ज़्यादा आए हैं, उसके बाद अब 604 के बाद मिले हैं 598 595। तो ये सारे मार्क्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोस हैं आप सारी देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।